बड़े आलमी मंजरनामे से आपको बताएं, चीन साफ पानी और सरसब्ज पहाड़ अनमोल अजासा है कि तस्वुर पर कारबंद है। बीजिंग में 10 साल से जायद की मुसलसल कोशिशों के बाद फजाई आलूदगी पर नुमाया अंदाज से काबू पाया गया है, जिसके नतीजे में नीला आसमान एक हकीकत बनकर सामने आया है। मजीद तफसीलात बीजिंग से शायद प्रात खान की इस रिपोर्ट में। बीजिंग में सब्ज तब्दीली के सफर में 10 साल से जायद की मुसलसल कोशिशों के बाद ठोस नतज हासिल हुए हैं। 2013 में बीजिंग में हवा के मियार की सतह खतरनाक थी और स्मोक शहरियों की ज़िंदगी का नागुजीर हिस्सा था। हुकूमत की जानिब से फ़जाई आलूदगी की रोकथाम और कंट्रोल एक्शन प्लान जारी किया गया, जिसमें हवा के मियार को बेहतर बनाने के लिए 10 इकदाम पेश किए गए। हवा के बेहतर मियार को यकीनी बनाने के लिए बीजिंग हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों ने तआवुन किया, जिसके नतीजे में नीला आसमान एक हकीकत बनकर सामने आया है। एक्शन प्लान का एक बहुत वाज़ह मकसद था कि PM2.5 आलूदगी के संगीन मसले को हल किया जाए। इस खातिर हुकाम ने अहम इलाकों की निशानदेही की और पहली बार इन इलाकों में PM2.5 की कमी के अहदाफ मुकर्रर किए गए। मजीद बरा कोयले के इस्तेमाल को कम करने, गाड़ियों के अखराज को कंट्रोल करने और धूल की आलूदगी का इंतजाम करने समेत कंट्रोल इकदाम अपनाए गए। पुरानी गाड़ियों को मरहलावार ख़त्म करने, बरकी और कम अखराज वाली कारों के इस्तेमाल को फ़रोग देने और मायने के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशों में इजाफा किया गया है। बीजिंग में एक दहाई से जायद की मुसलसल कोशिशों के बाद जब फजाई आलूदगी के मसले पर नुमाया हद तक काबू पाया गया है, जिससे शहरियों के बेहतर सेहत समेत माशी समाजी समरात का हुसूल भी मुमकिन हुआ है। शाहिद अफराज खान, A1 TV, बीजिंग। और सऊदी अरब आज सीजन की रौनकें अपने अरूज पर हैं। रोजाना लाखों अफराद स्वेदी पार्क का विजिट कर रहे हैं। 30 अक्टूबर को पाकिस्तानी वीक का भी आगाज होने लगा है। रियाज सीजन की इंतजामिया का मजीद क्या कहना था, जानते हैं कामरान मलिक की इस रिपोर्ट पे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दो कम्युनिटी ख़त्म हो चुकी है, इंडिया और फिलीपींस। अभी इंडोनेशिया होने वाला है, उसके फ़ौरन बाद आएगा पाकिस्तान, जिसका सबको इंतज़ार है। इंशाल्लाह हम लोग शुरू करेंगे अपना वीक 30th से, 30, 31, 1 और 2 नवंबर। तो जो 30 को हम शुरुआत करेंगे खुमारिया बैंड से, जो स्पेशलाइज्ड इन पश्तो और ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेजेस में गाते हैं। सो उसके बाद हम 31st को वील हैव अ बिग बम्पर धमाका, जो अली जफ़र की परफॉर्मेंस होगी, जो कि सबके लिए एक सरप्राइज़ है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग सब आएँ, खुमारियाँ इन्जॉय करें, अली जफ़र की परफॉर्मेंस इन्जॉय करें और नेवरलेस हमारे साथ फ्राइडे को, 1 नवंबर को आसिम अज़हर हैं, तो उनकी भी परफॉर्मेंस आपको मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। और साथ जो एंडिंग होगी वो हमारे वेरी टैलेंटेड यंग स्टनर्स और उनके साथ फिर से खुमारियाँ होंगी एज अ क्लोजिंग। और साथ में हमारे बहुत ही वेल नोन सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, जिसमें शोएब मलिक और सरफराज और शादाब, राइट तलहा भाई, तो भी आइएगा ज़रूर। और आई एम श्योर तलहा भाई वगैरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिली रही है, सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारी मीडिया जुड़ी हुई है इसको प्रमोट करने में। तो हमारी तरफ से आप सबके लिए बहुत ही दिल से इस्तकबाल है, तो फिर आइएगा और साथ में मेक श्योर करें कि जल्दी आएँ, ट्रैफिक में ना फंसें, क्योंकि जहमा बहुत होता है। तो अपनी जगहों को सिक्योर करें एंड फैमिलीज अलग साइड पे और जेंट्स अलग साइड पे खड़े रहें, मेहरबानी होगी। और एंट्री बिल्कुल फ्री है, सो प्लीज़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, प्लीज़ आइएगा ज़रूर। आप सबका इंतज़ार रहेगा, जैसा कि फराज जी ने बताया, सारी डिटेल्स पाकिस्तानी वीक, इंडियन वीक, फिलीपींस वीक, ये सब इस सीज़न का हिस्सा है और आने भी आगे भी हमारे पास अरब है, बांग्लादेश है, हमने सबको सपोर्ट करना है, हमने सबने आना है और हमने ये बताना है कि हम इस सीज़न से, सऊदी अरब से और इन लोगों से कितनी मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और इसराइल ने ईरान पर हमलों का आगाज कर दिया। तेहरान एयरपोर्ट के करीब भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी धमाके सुने गए। हमले के बाद कई मकामात पर आग भड़क उठी। पासदारान इंकलाब के हेडक्वार्टर्स के करीब भी धमाके सुने गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के करीब करज शहर में 5 धमाके सुने गए। ईरान के शहर तकरीत में भी धमाके सुने गए। तेहरान फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग से मुतासरा एक अमारत से 10 अफराद को निकाल लिया गया। तेहरान में धमाकों की ईरानी मीडिया ने भी तस्दीक कर दी।